सेवाकालीन तराना क्षेत्र के नागरिकों की सुविधा और सफर किराए कम होने के इसके लिए पूरे विधायक अनिल फिरोजिया द्वारा ही की गई। आपको बता दें कि सेवा सिटी बस सेवा लापरवाही अनियंत्रित का शिकार हो गई है। बताते चले कि शुरुआत में पूर्व विधायक अनिल फिरोजिया ने तराना से उज्जैन के बीच में की थी। बस नगर निगम उज्जैन द्वारा ही देख रेख में मेंटेन किया गया था। आपको बता दें कि बस का प्राइवेट ठेकेदार दिए जाने के बाद ही बस पर मेंटेनेंस के समय नहीं होने के बाद ही आपको बता दें कि बस पर स्थिति कंडम हो गया, जिसमें आपको बता दें साथ में तेज गति से चलने वाली बस टायर के गैटर में लगने से आपको देखाया जा रहा है। तस्वीरें में देख सकते हैं बस के टायर के साथ ही बसों की लापरवाही किया गया और तस्वीरें में देख सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर उज्जैन की है, आइए सुनते हैं क्या है बयान। प्राइम के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। देख लो जी, टायरों के ठिकाने नहीं, जूतों के ठिकाने नहीं है जी। गाड़ी अनफ्रेंड टर्नों पे इन पे भगाते हैं गाड़ी है ये जी। सर ये कैमरे जो लगे हुए क्या चालू होंगे? सब बंद है सर जी। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, इस पे तराना उज्जैन बस पे रेट डाला गया है 135 रुपये, जबकि जहाँ तक उसकी सीमा है वहाँ तक का रेट है, वहाँ तक का रेट देखा है मात्र 30 किलोमीटर हो रहा है, इसके बाद 35 रुपये कुछ ऊपर लिया जा रहा है, जो क्या कहेंगे रेट के विषय में आप, क्या रेट का क्या कहेंगे? 30 रुपये लेना चाहिए इनको, 35 रुपये होते भी नहीं है किलोमीटर के हिसाब से। प्राइवेट बस शायद से 30 ले रही, पर ये सरकारी बस 35 ले रही है, ऐसा क्यों? ये 35 ले रहा है, ये इनकी मनमानी का। जस्ट इसके पीछे आपके बोर्ड लगा हुआ है 35 रुपये का बस, ये जबकि एरिया वाइज सिटी का जो एरिया होना चाहिए उस एरिया गिनाता है, और जो ईस्टर्न वहाँ का एरिया वो एरिया वाइज एरिया गिनाता है। एरिया वाइज एरिया सर जो है किलोमीटर भी कम है इसका। हाँ, स्टूडेंट टू स्टैंड जो है 20 किलोमीटर में जो है इनका 35,000 रुपये बनता है। तो ये लोग क्या सिटी का चार्ज जोड़ रहे हैं कि सिटी को इंसान को लाने ले आने मनमानी कर रहे हैं, सिटी का भी चार्ज जोड़ रहा हूँ। एक और बात देखने में आ रही है कि जो महिलाएं रात में आती है उनको, जिनको पेट्रोल पंप की ओर जाना होता है, उनको भी रास्ते में छोड़ दिया, तो उन महिलाओं को छोड़ देते हैं, इधर आ जाते हैं, खाली गाड़ी लेके आता है इकल्ला और फिर पटक के चले जाते। अच्छा, वो महिला सुनसान रोड पे आते, कोई उनके लिए कोई पुलिस प्रोटेक्शन कुछ चीज़ की व्यवस्था नहीं होती? सुविधा नहीं होगा किसी के लिए। अच्छा, किसी तरह का हादसा होने का डर होता है? न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को